अच्छी गुफ्तगू का सलीका। शनासा अफराद से गुफ्तगू। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बेशुमार लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन इनमें से हर शख्स हमारा दोस्त नहीं हो सकता। बाज़ लोगों से सरेराह इत्तेफाकिया तारुफ हो जाता है, बाज़ लोगों से यूं ही किसी पार्टी या किसी दोस्त के घर मुलाकात हो जाती है। ये सब लोग शनासा अफराद में शुमार किए जाते हैं। शनासाई गहरी दोस्ती में भी तब्दील हो सकती है, लेकिन ये ताल्लुक ज़्यादातर शनासाई तक ही महदूद रहता है। जिन लोगों से महज शनासाई की हद तक ताल्लुक हो, उन लोगों से की जाने वाली गुफ्तगू के भी चंद ज़ाब्ते और आदाब होते हैं। ऐसे लोगों से ज़ाती नौइयत की गुफ्तगू के सिवा हम हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मौजूआत के इंतखाब में बहरहाल एहतियात बरतनी चाहिए। हम ऐसे लोगों से अपने घरेलू मसाइल पर बातचीत नहीं कर सकते, इसी तरह इनके ज़ाती मसाइल पर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। रस्मी मुलाकातों में की जाने वाली गुफ्तगू का मकसद वक्त गुजारना होता है, इसलिए कोशिश की जाए कि इस मौके पर हल्की फुल्की गुफ्तगू की जाए जिसमें हल्के फुल्के मजाक की रोशनी मौजूद हो।